फ्राइडे को आप किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करोगे सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, बहुत सारी लर्निंग मिलेगी और एग्जैक्ट प्लान मिलेगा आपको कल किस तरीके से ट्रेड करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आज वीडियो थोड़ा सा मैं जल्दी बना रहा हूँ, एक्चुअली एवरीडे मार्केट क्लोज होने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अभी जो टाइम देख सकते हो 2:46 अभी हो रहा है नीचे में, आप देख सकते हो बॉटम में। तो अभी मैं थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ वीडियो, उसके पीछे का रीजन है कि मुझे कहीं जाना है अर्जेंटली, इसकी वजह से वीडियो थोड़ा जल्दी बन रहा है। चलिए अभी हम देख लेते हैं प्लान क्या होना चाहिए कल के लिए, आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखेंगे तो हमको एक ग्रीन कैंडल आज बनती हुई नजर आ रही है। अभी मार्केट हालांकि क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन हम देख सकते हैं ओवरऑल एक ग्रीन कैंडल के साथ नीचे बॉटम में गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ और काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और उसके बाद जो है कल की क्लोजिंग के आसपास हमको रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद फिर से अभी थोड़ी सी गिरावट होती हुई नजर आई है। ठीक है, तो ओवरऑल देखें आज का ट्रेड, आज का जो डे थोड़ा सा पॉजिटिव हमको देखने को मिला है। ठीक है, बाकी 3 दिनों का ट्रेंड देखेंगे, 3 दिनों में ट्रेंड जो थोड़ा सा नेगेटिव बनता हुआ नजर आया है, एंड आज अच्छे थोड़ा वॉल्यूम भी कम था। एंड अभी हम बात करें ओवरऑल डे हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास प्राइस आने वाली है, और यहाँ पर देख सकते हो 18,000 का जो लेवल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लोजिंग 18,000 के ऊपर ही होती है तो यहाँ पर अगेन हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं कल किस तरीके से आपको प्लान करना है। यहाँ पर देख सकते हो नीचे में एक ट्रेंड लाइन, मैंने ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन मार्क करी है और एक्जैक्टली उसी पर सपोर्ट लिया। देखो जब भी प्राइस इस लेवल को टच करती है बॉटम में तो एक्जैक्टली इसी पर सपोर्ट लेती है, और आज भी इसी पर सपोर्ट ले रही है और यहीं पर सपोर्ट लेती हुई हमको नजर आ रही है। थोड़ा सा मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको जो अच्छे से दिखेगा और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर देख सकते हो बॉटम में देख सकते हो एक्जैक्टली यहीं पर ये सपोर्ट ले रही है। तो आपका प्लान क्या होना चाहिए कल, सिंपल आपका प्लान क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 2-3 दिनों से प्राइस एक छोटी सी रेंज के बीच में रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल आ चुका है, तो अगर प्राइस को नीचे जाना है तो इस लेवल से नीचे की तरफ गिरावट होगी, और यहाँ पर एक बड़ी ट्रेंड लाइन जो दिख रही है नीचे से, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा तो बड़ी गिरावट यहाँ से देखने को मिलेगी। अदरवाइज इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं प्राइस वाइज, अभी के हिसाब से देखें तो ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऊपर में ये पूरा चैनल दिख रहा है, चैनल का जब तक अपसाइड ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक बड़ी तेजी हमको देखने को मिलेगी। तो आपका कल के लिए प्लान क्या हो सकता है, अगर कल प्राइस साइडवेज ओपन होकर 18,000 का लेवल क्रॉस करके नीचे की तरफ निकलती है, 18,000 के लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगी तो इसके नीचे हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं फ्राइडे को। ठीक है, इसके नीचे मार्केट एक बार नेगेटिव हो जाएगा तो इसके नीचे एक बार हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं 18,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसके नीचे। ठीक है, ऊपर में बात करूँ तो जब तक कि कोई स्विंग ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करती तब तक हमको तेजी देखने को नहीं मिलेगी। बड़े जो मेजर स्विंग मुझे दिख रहा है, जो आज का डे हाई भी लगाया प्राइस समवेयर अराउंड 18,100 का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है या फिर ये जो चैनल दिख रहा है जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक तेजी नहीं देखने को मिलेगी। तो आपका सिंपल प्लान क्या हो सकता है, इस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट में यहाँ पर छोटा सा एक जोन भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो लेवल है 18,100 का लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलती तो एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिलेगी, एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर बन सकता है, इसके ऊपर हम कॉल की पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, बाकी 18,000 का सपोर्ट ब्रेक करती प्राइस तो इसके नीचे पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है, अच्छी गिरावट आ सकती है इसके बाद। ठीक है, आई होप कि निफ्टी का क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से आपको प्लान करना है। आज की क्लोजिंग कहाँ होगी वो थोड़ा सा आपके लिए देखना इंटरेस्टिंग होगा, इसी रेंज के बीच में होनी चाहिए जहां पर ट्रेड करा है उसी के आसपास 16,100 से लगाकर 18,000 से लगाकर 18,100 या फिर 18,050 की इस रेंज के बीच में ही क्लोजिंग कहीं पर होगी। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी को कल किस तरीके से ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आज काफी शानदार पॉजिटिव कैंडल हमको देखने को मिली है काफी टाइम बाद। हालांकि जो मार्केट है काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, 250-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद देखो बॉटम बनाकर तुरंत ही शार्प रिकवरी देखने को मिली, और ये लेवल जो था मैंने आपको शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल के अंदर 40,840 का लेवल या फिर 830 का लेवल, एक्जैक्ट यहीं पर प्राइस ओपन और यहीं से रिवर्स तुरंत ही कर गया मार्केट। ठीक है, अभी हम बात करें आज देख सकते हो काफी टाइम बाद एक ग्रीन कैंडल में मार्केट क्लोज हो रहा है, लेकिन पिछले 3-4 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास ही क्लोजिंग हो रही है। ठीक है, ये जो फर्स्ट डे यहाँ पर जो लास्ट मंडे था पिछला जब मोरल ट्रेडिंग थी जिसकी क्लोजिंग प्राइस थी उसी के आसपास फिर से प्राइस आ चुकी थी, यानी कि जो 41,300 का लेवल है इसी के आसपास मार्केट लगभग क्लोज किया है ज्यादातर टाइम। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर कल ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा तो बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी मैं लगा लेता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट, यहाँ पर देखते हो गैप डाउन और मार्केट ओपन तो हुआ लेकिन शार्प रिकवरी हमको देखने को मिल गई है। ठीक है, अभी हम बात करें पैटर्न के तो यहाँ पर देख सकते हो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है,
ब्रेकआउट लेवल सिंपल सा है 41,500 का लेवल, 41,500 के ऊपर एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिलने वाली है बैंक निफ्टी के अंदर। तो आप बस 41,500 का लेवल क्रॉस करने के बाद जो है पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर 41,600 का लेवल तो आसानी से मिल जाएगा, 800, 900 या फिर 42,000 तक का टारगेट आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल जाएगा कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो इसके ऊपर हम पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं, 41,500 का एक बड़ा ब्रेकआउट है तो इसके ऊपर हम बाय के लिए प्लान करेंगे कल के लिए अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। सेल के लिए बात करो सिंपल है, इस स्विंग के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करेगा था एक बार हम कुछ क्वांटिटी के साथ सेल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। क्वांटिटी सेल में थोड़ी क्वांटिटी कम रखेंगे, बाय साइड क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा हम रख सकते हैं। जनरली अगर आप दो लॉट से ट्रेड करते हो तो बाय साइड दो लॉट ले सकते हो और सेल साइड एक लॉट ले सकते हो, इस तरीके से आपको प्लान करना है, ठीक है। अभी मैं बात करूँ नीचे में लेवल है 41,230 का लेवल मान सकते हो या फिर 41,200 का लेवल, ठीक है। 200 से 230 एक राउंड लेवल नंबर है तो यहाँ पर मैं छोटा सा जोन मार्क कर देता हूँ, इस जोन के नीचे आप इसको सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी 41,500 का लेवल क्रॉस करने के बाद आप इसमें बाय के लिए प्लान कर सकते हैं, बड़ी तेजी हमको देखने को मिलेगी। आई होप कि बैंक निफ्टी का क्लियर हो चुका होगा। बाकी जो भी लेवल्स आपको दिख रहे हैं सारे लेवल्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर एज इट इज आप अपने मोबाइल कंप्यूटर में मार्क कर सकते हो, लैपटॉप के अंदर जो भी आपके पास चीज अवेलेबल है। बाकी सारे लेवल्स एज इट इज रहेंगे, ठीक है। बाकी जो मेजर था आज हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट होने दो, आज की क्लोजिंग क्या होती वो थोड़ा सा आप देख लेना, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं स्टॉक कौन सा स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हो। पहला स्टॉक मुझे दिख रहा है काफी अच्छे ब्रेकआउट लेवल के आसपास आ चुका है, वो है SBIN, ठीक है। आज बुलिश एंगलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमको देखने को मिल रहा है एंड काफी लंबा कंसोलिडेशन चला है, देख सकते हो काफी टाइम से हायर लेवल के आसपास ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट जो है रेंज में फंसा हुआ है एंड फाइनली आज जो है यहाँ पर देखते हो अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है हायर लेवल के आसपास, ठीक है। तो कल अगर डे का हाई क्रॉस करता है तो हमको यहाँ से एक तेजी देखने को मिल सकती है, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए, साइडवेज ओपन होकर डे का हाई क्रॉस करेगी तो हम यहाँ पर एक बाय के लिए प्लान कर सकते हैं, अच्छा फर्दर मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ, एक स्टॉक मुझे अगेन दिख रहा है बायोकॉन। बायोकॉन में भी सेम चीज देखो, आज एक हमको ब्रेकआउट हुआ तो इसको हम कंटिन्यूशन में ट्रेड कर सकते हैं, इस तरीके का देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और आज जो है स्विंग के ऊपर इसने क्लोजिंग अगर दे देता है 280 के ऊपर तो मजा आ जाएगा एंड उसके बाद जो आप इसमें बाय के लिए प्लान कर सकते हो। अगर इसी हाई लेवल के आसपास 280 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो डे के हाई के ऊपर आप इसको बाय के लिए प्लान कर सकते हो कल के लिए। 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए 1:2 टारगेट के लिए आपको प्लान करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ तो एक स्टॉक है वोल्टास। इस स्टॉक के अंदर देखेंगे कंटिन्यूसली मार्केट नेगेटिव ही चल रहा है, कंटिन्यूसली गिरावट हो ही होती है हमको नजर आती है। यहाँ पर भी देखोगे लास्ट टाइम से एक सपोर्ट लेवल था, लेवल में आता था इस तरीके का देख सकते हो, एक सपोर्ट एरिया था एंड एक्जैक्टली यहाँ पर देख सकते हो दो बार यहाँ पर हिट किया और फिर से प्राइस नीचे लो लेवल के आसपास आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हो काफी लंबा कंसोलिडेशन चला, अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक होता है तो एक बड़ी गिरावट होगी। थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा सा आसानी होगी, अच्छे से समझ में आएगी चीजें। यहाँ पर देख सकते हो ये जो पूरा सपोर्ट एरिया दिख रहा है 860 का लेवल, ठीक है, 860 का लेवल, ठीक है, सॉरी हाँ 860 का लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बस 860 का लेवल ब्रेक करने के बाद आप इसमें सेल के लिए प्लान कर सकते हो, बड़ी गिरावट आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगी और जिस तरीके की आज कैंडल मिली है तो ये कल अगर ब्रेकडाउन होता है तो कल भी बड़ी गिरावट हो सकती है, इस स्टॉक के अंदर हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना है, किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने इंट्राडे आप लोगों के लिए मैंने जो है स्पेशली ये टेलीग्राम चैनल बना रखा है ट्रेडिंग हाइस्ट, आप इसको जाके सर्च करो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट के दौरान कोई भी ट्रेड होता है बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसके अलावा स्टॉक के अंदर किसी में ब्रेकआउट स्टॉक होता है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर सकते हो एंड जो लोग इंटरेस्टेड है इंट्राडे ट्रेडिंग से रेगुलर पैसा कमाने के लिए तो आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली इंट्राडे एडवांस कोर्स बनाया हुआ है, तो लिंक आपको कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड स्पेशली आप लोगों के लिए जो लोग रेगुलर पैसा कमाना चाहते हैं ट्रेडिंग से, ठीक है। और ये कूपन कोड यूज़ करना है HEIST20 तो आपको जो है 500 रुपीज़ का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको 2000 के अंदर जो है पूरा ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके बाय।